request the Minister of Transport to please come on the dais and give your keynote address. Very good morning to all of you. आज हम सभी इकट्ठे हुए हैं एक बहुत ही गंभीर सेंसिटिव इशू जो कि मेरे ख्याल से हम सभी से जुड़ा हुआ है, दैट इज रोड सेफ्टी। यहाँ पर उपस्थित ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, स्पेशल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, राइट टू एजुकेशन, आईआईटी से प्रोफेसर प्रीतम तिवारी, आईआईटी से श्रीमती रुचि वर्मा और जितने भी यहाँ पर पैनलिस्ट, मीडिया के बंधु मौजूद हैं, इस रोड सेफ्टी समिट में आप सभी का स्वागत है। रोड सेफ्टी समिट, मैं समझता हूं कि अगर हम 2018 की बात करें तो इसका ओरिजिन हमारी दिल्ली की जो रोड सेफ्टी पॉलिसी जो कि हमने 2018 में लॉन्च की थी, आई थिंक इट इज वन ऑफ द प्रोग्राम्स विच वी इंटेंडेड टू ऑर्गेनाइज। जब भी हम रोड सेफ्टी के बारे में बात करते हैं, आई थिंक आई हैव बीन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स लास्ट ऑलमोस्ट 4 इयर्स नाउ, तो मोस्टली एक रोड सेफ्टी वीक हम ऑर्गेनाइज करके एंड देन वी आई थिंक फॉरगेट अबाउट इट और देयर इज नो एक्टिविटी, देयर इज नो सस्टेन्ड एक्टिविटी टू टेक इट फॉरवर्ड। But I think when we talk about road safety, it is such a complex issue that I don't think we can create awareness in just 1 week. I think if we are really serious about road safety, then I think it has to become part of our habit. It has to become part of our culture. मतलब अगर आप घर से बाहर कदम रखते हैं, in whatever mode, whether you are a pedestrian, whether you are a cyclist, whether you are in a car, whether you are in a bus, by whatever mode, I think road safety is what we are dealing with. जैसे कि वीडियो मैसेज के थ्रू एंड आई थिंक एवरीबडी नोज दैट लैक्स ऑफ पीपल डाई एवरी ईयर बाय रोड एक्सीडेंट्स। जो इंजरीज के द्वारा है उनका नंबर तो बहुत ज्यादा है। सिंस 2015 दिल्ली गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल सीएम अरविंद केजरीवाल, आई थिंक वी हैव टेकन न्यूमरस एंड डायनेमिक स्टेप्स दैट हाउ वी कैन रिड्यूस द फेटलिटीज इन दिल्ली। As a transport minister, I think most of the times we are dealing with issues कि एक safe और reliable transport system दिल्ली में कैसे create किया जाए। But along with the goal of creating a reliable and safe transport system, I think it is very important to create a very safe transport system also. I still remember almost 3 years back, we took a conscious decision that the first step which any government can take towards reducing the road accidents, the fatalities, the injuries
is to strike at the very root. And that is when we started the process of converting all the manual. आप सभी ने देखा होगा पहले मेगर सभी ने ड्राइविंग लाइसेंस जरूर बनाई है और सभी गाड़ियां चलाते हैं तो एक कहीं भी लेन में ड्राइविंग का टेस्ट आगे और पीछे करके दैट यूज टू बी द कॉमन फीचर बट आई थिंक विद ग्रेट प्राइड आई थिंक आई कैन अनाउंस टुडे दैट दिल्ली इज द फर्स्ट स्टेट इन द एंटायर कंट्री टू हैव कन्वर्टेड द मैनुअल सिस्टम ड्राइविंग जो टेस्ट का सिस्टम था टू फुल्ली ऑटोमेटेड टेस्ट सेंटर्स बिकॉज आई थिंक इफ यू कैन प्रोड्यूस गुड ड्राइवर्स इफ यू कैन प्रोड्यूस ड्राइवर्स हु आर सेंसिबल हु आर सेंसिटिव हु हैव द स्किल्स आई थिंक वी कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन बिग वे वी आर ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ even sending the video clips to drivers and I think Delhi has the highest percentage where the applicants are failing almost 30% of people who are giving test they are not able to qualify because of the stringent standards we have kept and the entire system is through the software there is no human intervention in the entire process I think that is the one of the biggest steps which Delhi government has taken in the last couple of years. आज की जो रोड सेफ्टी की समिट है आई थिंक आई विल बी वेरी हैप्पी इफ थ्रू द पैनल डिस्कशंस विच विल टेक प्लेस आई थिंक इन सम टाइम क्योंकि ये जो रोड सेफ्टी का जो इश्यू है इट टचेस लाइव्स ऑफ लैक्स ऑफ पीपल द वर्स्ट अफेक्टेड आर द पेडेस्ट्रियंस एंड आई थिंक दे आर फ्रॉम द वीकर इकोनॉमिक सेक्शन ऑल्सो अगर किसी के घर में एक जो उस रनिंग द फैमिली अगर उसकी अगर डेथ होती है तो आई थिंक उसकी पूरी फैमिली उसकी पूरी लाइफ आई थिंक इट गेट्स अफेक्टेड आई थिंक थ्रू द पैनल डिस्कशंस एंड वी आर ऑल्सो एंट्रिंग इन टू एमओयू विद आईआईटी आई थिंक जितना भी हमारा डेटा है वी हैव अ फुल्ली फंक्शनल रोड सेफ्टी सेल इन द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आई थिंक एज अ मिनिस्टर One issue which I would like to flag, and we have been wanting to do this last couple of years. Whenever we talk about road safety, I think one of the most important part in the entire program is the scientific analysis of the crash. We are in touch with Delhi Police and we have requested Delhi Police many times that whenever accident happens and one of the Delhi Police officer is part of the road safety cell that whenever any crash happens do let us know immediately so that our team can immediately reach the spot and before the evidence is removed the road safety cell the members of the road safety cell can examine the accident site I think this is one thing which we have not been able to achieve through the MOU with IIT. We can achieve that. Although we have been working with other organizations, WRI, with Save Life Foundation, we have done a lot of work. We have managed to remove a couple of black spots in the last few years. We have been able to redesign the roads. Delhi government, the PWD is in the process of redesigning the entire main PWD roads. This is one issue which I think I am very keen because if we are able to identify the reason, the accident kyun hua,
right now the entire focus is on the prosecution part. कि FIR हो गया और उसके बाद that goes into trial. But I don't think even now in Delhi we are doing the analysis of the accident. कि accident किस कारण से हुआ? Was there any fault in the design? Whether it was fault of the driver? Whether there was something which even when the driver was attentive, he could not have avoided. I think that will be one of the main things which I'll be looking forward. I thank Bloomberg for taking this initiative forward, and I think we are looking forward for a sustained even social media activities to create awareness for next 6 to 7 months. I thank all the stakeholders. I thank all the officers of the transport department, even other departments who have shown interest, and I wish everybody all the best. Thank you so much. Now we have the signing of the Memorandum of Understanding between IIT Delhi and the Transport Department. I would request Sri S. V. Divakumar, who is the Special Commissioner of Road Safety, to come on the dais, and Colonel Naveen Gopal from IIT Delhi, along with other representatives from the Transport Department. I would also request Sri Ashish Kundraji, Principal Secretary and Commissioner of Transport, to come on the dais, Sri K. Kitariyaji to come on the dais, who is the Special Commissioner of Transport. And other members from IIT Delhi can also come on the dais, please. May we have a big round of applause for the MOU which has been signed. Thank you so much, everyone.